इतनी बड़ी भयंकर महामारी है, बटा हुआ विश्व, युद्ध के कारण हो रहे विनाश, अनेकों देशों में अस्थिरता का माहौल है, कई देशों में भीषण महंगाई है, बेरोजगारी, खाने पीने का संकट, और हमारे अड़ोस पड़ोस में भी जिस प्रकार से हालत बने हुई है, ऐसी स्थिति में माननीय अध्यक्ष जी, कौन हिंदुस्तानी इस बात पे गर्व नहीं करेगा कि ऐसे समय में भी देश दुनिया की पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था है। आज पूरे विश्व में भारत को लेकर के पॉजिटिविटी है, एक आशा है, भरोसा है, और माननीय अध्यक्ष जी, ये भी खुशी की बात है कि आज भारत को विश्व के समृद्ध देश ऐसे G20 समूह की अध्यक्षता का अवसर भी मिला। ये देश के लिए गर्व की बात है, ये देश के लिए गर्व की बात है, 140 करोड़ देशवासियों के लिए गौरव की बात है। लेकिन मुझे लगता है, पहले मुझे नहीं लगता था, लेकिन अभी लग रहा है शायद इससे भी कुछ लोगों को दुख हो रहा है। 140 करोड़ देशवासियों में किसी को दुख नहीं हो सकता है, वो आत्मनिरीक्षण करे, वो कौन लोग हैं जिसको इसका भी दुख हो रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, आज दुनिया की हर विश्वसनीय संस्था, सारे एक्सपर्ट्स जो वैश्विक प्रवाहों को बहुत गहराई से अध्ययन करते हैं, जो भविष्य का अच्छे से अनुमान भी लगा सकते हैं, उन सबको आज भारत के प्रति बहुत आशा है, विश्वास है, और बहुत एक मात्रा में उमंग भी है।